जय हिंद। आप सभी आदरणीय शिक्षकों का इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी मैथ के पेपर का सोल्यूशन करेंगे, 2015 का बाई ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक बल 36 से 30 डिग्री कोण पर क्रिया करता है, यदि 36 दिशा में उसका वियोजन 10 करड़ी 3 किलोग्राम भार हो तो वह बल क्या होगा। हमारे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 20 kg भार, 10 kg भार, 20√3 kg भार और 12 किलो भार। ठीक है, तो देखिए इसका सिंपली कितना जल्दी से इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे, आप लोग देखते जाइए। देखिए कोई भी बल जो होता है, सपोज करिए कि ये एक फोर्स है F, ठीक ना, तो इसका हम लोग क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अगर वियोजन करते हैं, यहाँ थीटा कोण है, तो इसका 36 वियोजन हमारा F cos θ होता है और ये होता है हमारा F sin θ। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन में दिया क्या है, 36 से 30 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि ये दिया हुआ है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, और 36 से में उसका वियोजन 10√3 है, यानी कि ये F cos θ बराबर 10√3 है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग F का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू बस पुट कर देना है, cos 30 डिग्री बराबर 10√3, यहाँ से F cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 10√3, ये √3 कैंसिल हो जाएगा और F बराबर 20 किलोग्राम भार, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अब हम दूसरे क्वेश्चन पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि sin θ + sec θ बराबर 2 हो तो sin²(8θ)+cosec²(8θ) का वैल्यू क्या होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 2, 2^4 एंड 2^8। ठीक है, चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, बाई ट्रिक देखते हैं कैसे होता है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इसके लिए आपको एक थोड़ा सा नॉर्मल फॉर्मूला आना चाहिए, जैसे अगर x+1/x = 2 होता है तो हम x का पावर कुछ भी कर दें, कुछ भी x के पावर में हमारा कुछ भी हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, 2 ही होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से, इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, sin θ + cosec θ = 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, sin θ + 1/sin θ = 2। और ऐसा होता क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका वैल्यू जब 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा तभी यहाँ 2 आ सकता है, और कोई रास्ता नहीं है, और इमेजिनरी रूट आते हैं, यानी 1 1 ही एक रियल वैल्यू होता है, तो इसलिए यहाँ 1 होगा तो 2 आ जाएगा। तो इसके पावर में कुछ भी हो, तो 1 के पावर में अगर कुछ भी हो तो उसका वैल्यू 1 ही आता है, इसीलिए क्या होगा, अगर हम sin θ^8 कर लें और यहाँ 1 sin θ^8 कर लें तो भी हमारा वैल्यू क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि 1/8 1/8, ठीक ना, यानी 1+1 = 2। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि 5 व्यक्तियों की क्रमशः ऊंचाइयाँ 144, 152, 151 और 158 तथा 155 सेंटीमीटर है तो इनकी मध्यमान ऊंचाई कितनी होगी। चार ऑप्शन दिया गया है, 155, 150, 152, 148। हमें राइट ऑप्शन को चूज करना है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए मध्यमान या माध्य या फिर माध्य हो, इसे निकालने के लिए
जो भी डेटा दिया रहता है उसे जोड़कर जितना डेटा होता है उससे डिवाइड किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 डेटा है तो इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करना है, यानी 144, 152, 151, 158 और 155, इसे हमें 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये हमारा माध्य निकल जाएगा या मध्यमान निकल जाएगा। ठीक है, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछता है, आप दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप ऐड कीजिए कितना होगा, ये देखिए, ये 2, ये देखिए, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो आपका लगभग कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 4 है ना, तो यहाँ पे 6 चाहिए, या फिर ऐसे डायरेक्ट जोड़िए यूनिट प्लेस, 8 5 13 1, 14 2, 14 2 16 और 4 20 हो गया। ठीक है, यानी कैरी 2, 5 5 10 5 15 5 20 4 24 और 2 26, 2 1 2 3 4 5 और 2 7, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 5 2, ठीक ना, 152, यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 दिखाया जा रहा है और ये है क्वेश्चन नंबर 4, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन आई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल टू द पावर 4, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका मान कितना होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक बेसिक रूल आना चाहिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू ई टू दी पावर आई थीटा होता है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर आई थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो हर में दिया हुआ है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ दिया है आई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से हम आई को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन आई, यहाँ आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के वीडियो में हमने ये सब बताया है कैसे होता है, तो आप वो कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आई के बारे में अगर जानना है तो, ठीक है, इसको आयोटा भी बोलते हैं, कोई आई भी बोलता है, कोई आयोटा भी बोलता है, तो डज नॉट मैटर। यहाँ से आई स्क्वायर हो जाएगा यानी -1, यहाँ हम माइनस कर लेंगे, कॉस थीटा प्लस प्लस नहीं होके ये क्या हो जाएगा, माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है तो यहाँ पे ई टू द पावर थीटा हो गया, अगर ये माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई ई टू द पावर माइनस आई थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है इसमें हम लोग इसको क्या करेंगे, फिट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारा जो ये न्यूमरेटर है, अंश है, उसमें हमको क्या मिलेगा, e टू द पावर आई थीटा, और डिनोमिनेटर में हमको मिलेगा आई ई टू द पावर माइनस आई थीटा एंड होल पावर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन i टू द पावर 4 और यहाँ हो जाएगा e टू द पावर 2i थीटा होल पावर 4, और आई पावर 4 का वैल्यू देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक ना, तो आई पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब क्या करना है, ये 1 कर देंगे, इसका काम खत्म हो गया, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ई टू द पावर 4i थीटा, या हम यहाँ से पाएंगे ई टू द पावर 4i थीटा, और ई टू द पावर 4i थीटा को हम लोग इस
फॉर्मूले से जब लिखेंगे यहाँ पे e टू द पावर 4i थीटा को, नहीं सॉरी 4 नहीं होगा, 4 2 8 हो जाएगा, 8 होगा, 8i थीटा। अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, cos 8 थीटा प्लस i sin 8 थीटा। यानी कि हमारा कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यदि आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका सारा वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 5, आइए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि समुच्चय 0, कर्ल ब्रैकेट में केवल 0 लिखा हुआ है, मतलब ये एक समुच्चय जिसका एलिमेंट केवल 0 है, के उपसमुच्चय होंगे, कितने उपसमुच्चय होंगे, कौन कौन से होंगे ये बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 5 और 0 0 5 0 और 0 5। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक उपसमुच्चय का फॉर्मूला होना चाहिए। जैसे किसी भी समुच्चय में कितने एलिमेंट हैं, मान लेते हैं कि n एलिमेंट है, ठीक ना, n एलिमेंट है, तो उसके उपसमुच्चय में कितने तत्व होंगे, 2 to the power n एलिमेंट होंगे, ठीक ना, 2 to the power 10 एलिमेंट, n एलिमेंट। अगर सेट में n एलिमेंट है तो उसके उपसमुच्चय में 2 to the power n एलिमेंट होंगे। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इसमें केवल एक है, एक एलिमेंट 0 है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 to the power 1, यानी कि 2, इसके दो उपसमुच्चय होंगे। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही, केवल संख्या के आधार पर भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है sin 6x और cos 5x dx का। अगर इसे हम लोग जनरल रूल से लगाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा और वही बचाना है। ठीक है, तो इसे हम लोग फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, अगर वो इस टाइप का है, कोई भी फंक्शन है जो कि हमारा sin 2 the power m theta और cos 2 the power n theta है, इस फॉर्मेट का है, तो इसका इंटीग्रेशन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, और इसमें लिमिट भी है 0 to π है, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, f पाई माइनस एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर ये वैल्यू हमारी अगर माइनस एफ एक्स आती है, अगर ये वैल्यू हमारी माइनस एफ एक्स आती है तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इफ, यदि ये कंडीशन है तो। ठीक है, तो चूंकि ये इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है इसलिए हम लोग इसको इसी फॉर्मूले से देखते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ से जो दिया हुआ है हमारा एफ एक्स, तो हम यहाँ से एफ पाई माइनस एक्स करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, sin 6π - x और cos 5π - x dx। ठीक है, तो साइन 90 में से घटाएंगे 180, माइनस एक्स करेंगे तो दूसरे कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है, यानी ये होगा हमारा sin 6x इंटू कॉस को देखेंगे तो कॉस जो है दूसरे कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, और चूंकि पावर भी ऑड है, ठीक ना, इसलिए ये क्या आएगा, माइनस में आएगा, माइनस cos 5
एक्स, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, ऐसे लिख देंगे। अभी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स, ठीक है। हम लिख रहे हैं एफ एक्स, और ये हो गया एफ पाई माइनस एक्स, ठीक है। और हम अभी बताएं कि जब भी ऐसी कंडीशन आ जाएगी आपके यहाँ कि एफ पाई माइनस एक्स एफ एक्स के नेगेटिव के बराबर हो, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 to π के लिए हमेशा कितना होगा, 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर आप इसे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के लगाएंगे तो भी लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि यदि समीकरण 3x² - 8xy + ky² = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं तो के का मान कितना होगा, 1 - 1, -2 या -3। आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक ट्रिक जानना बहुत जरूरी है। कोई भी इक्वेशन है ax² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0, तो यहाँ ए और बी पर डिपेंड करता है कि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हैं कि नहीं है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अगर ए और बी का सम, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट का सम 0 होगा, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब होंगी। तो यहाँ पे पहले से दिया है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, लंब हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स का गुणांक और वाई का गुणांक, यानी 3 + k = 0, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इस तरह से हम लोग 7 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।